हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विद्युत ऊर्जा और साथ साथ में विद्युत शक्ति की भी चर्चा करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर दोनों जानेंगे। तो गाइस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को शेयर करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, बिना टाइम को गंवाए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की क्लास क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा क्या होता है। हम लोगों ने विद्युत का उपयोग बहुत जगह करती है, पर विद्युत ऊर्जा जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, तो आज बताया जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जब कोई चालक लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, कोई चालक लेते हैं। जैसे ही आप कोई चालक लेते हैं तो उस चालक हो गया। अब इस चालक में जो है ऐसे कुछ बना लेते हैं, ये चालक मान लेते हैं, एक मिनट के लिए क्या मान लेते हैं, ये चालक। अब चालक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है, चालक में जब उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये ठीक, इसमें धनायन भी रहते हैं बहुत सारे, ऐसे तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है, जब आप इसको बिना बैटरी से जोड़े रहते हो, भैया मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बता के रखा ये सब, जब किसी चालक को बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, तो जब इस चालक को बैटरी से नहीं जोड़ते तो इस चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो अनियमित गति करता रहता है, वो चारों तरफ गति करता रहता है, इसकी कोई गति निश्चित नहीं होती। गाइस ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई गति निश्चित नहीं रहता, ये चारों तरफ जो है यादृच्छिक यानी स्वतंत्र रूप से जो है गति करते रहते हैं। पर जैसे ही इस चालक को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, इस चालक को क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इस चालक को हम लोग किससे जोड़ देते हैं भैया, बैटरी से जोड़ देते हैं। फिर से पुनः बता रहे हैं, जब चालक को बैटरी से नहीं जोड़े रहते तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है वो इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से चारों तरफ गति करता रहता है, उसकी कोई जो है निश्चित दिशा नहीं रहता। पर जैसे ही भैया हम लोग इनको बैटरी से जोड़ते हैं ना, तो ये बैटरी से जैसे ही जोड़ोगे ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे, तो बैटरी से जोड़ने के बाद जब विद्युत क्षेत्र आप स्थापित करोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जो अनिश्चित गति कर रहे थे, जिनकी कोई दिशा निश्चित नहीं थी, वो सारे इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस से प्लस की तरफ चलने लगते हैं, यानी एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो गति करने लगते हैं, तो ये वेग, ये किस वेग से गति करते, अपवाह वेग से गति करते रहते हैं। तो ध्यान, अब जब जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो ये धनायन से टकराएंगे, क्या करेंगे, धनायन से टकराएंगे। तो भाई धनायन से टकराने के बाद ये अपनी ऊर्जा खो देते हैं, तो जो ऊर्जा खोएंगे वही ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा, सॉरी एक मिनट, जो ऊर्जा खोते हैं वो ऊर्जा उष्मा के रूप में बाहर निकलती है, या तार जो आप चालक रहेगा वो चालक के बाहर आ जाता है, किस रूप में, उष्मा के रूप में। पर प्रश्न यहाँ ये उठता है कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा क्या होगा, जो वो आपने आवेश को क्या किया कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने में जो कार्य किए, वही कार्य क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। फिर पुनः रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जब किसी चालक को भैया बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक में बैठा जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक निश्चित दिशा में गमन करने लगता है, माइनस से प्लस की तरफ चलने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं, तो धनायनों से टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा क्या कर देता है, खो देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोया रहता है वो ऊर्जा तार के ऊपर या तार में उष्मा के रूप में बाहर आ जाती हैं, जिससे आप गाइस देखते होंगे जो तार होता है वो गर्म हो जाता है, वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बात कुछ समझ में आई, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं तो धनायनों से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खो देता है, अपनी ऊर्जा क्या कर देता है, खो देता है। जो ऊर्जा खोया रहता है वो ऊर्जा उष्मा के रूप में चालक के पृष्ठ पर आ जाती है, जिससे चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, हम मानते हैं, माना
माना कि टी समय में कितने आवेश प्रवाहित हुए होंगे, डी क्यू आवेश प्रवाहित हुए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, माना माना टी समय में क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ध्यान दीजिए, किया गया कार्य। आपने यही पढ़ाना है कि जो विद्युत ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य के बराबर होगा। तो हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन के स्थान, इलेक्ट्रॉन क्या एक आवेश है, तो माना टी समय में आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होगा वो कार्य क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू। कार्य बराबर क्या मान लिया, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू बराबर आपने पढ़ा है, अब कहाँ से निकालोगे, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू पढ़े थे, यहाँ से डब्ल्यू का मल्टीप्लाई एक से कर दें तो W बराबर हो गया V इंटू क्यू। तो ये मान यहाँ रख दे तो W बराबर हो गया V इंटू कितना हो गया, Q हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई, V बराबर क्या हो गया, W इंटू क्यू। समीकरण नंबर आप क्या बना ली, एक बना लिए, ठीक। यदि हम मान ले, यदि चालक में, अब ध्यान दो भैया, जब आवेश इस सिरे से इस सिरे तक आएगा तो का उत्पन्न होगा, चालक में धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो यदि चालक में उत्पन्न धारा क्या हो आई हो तो Q बराबर I इंटू कितना हो जाएगा, T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T। कहाँ से आया, तो I इक्वल टू Q अपान T रखते, Q का मल्टीप्लाई एक से करते, Q बराबर क्या आ गया, I इंटू T। समीकरण नंबर क्या हो गया, दो। समीकरण दो से Q का मान समीकरण एक में रख दो भैया, क्या रखोगे, समीकरण दो से Q का मान समीकरण एक में रखने पर ये ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, समीकरण एक में रखते हैं। तो समीकरण एक क्या है यहाँ, तो W बराबर कितना है, V इंटू क्यू, तो Q के स्थान पे क्या रख देंगे, I इंटू टी। तो जो किया गया कार्य होगा W बराबर वी आई टी भी हो जाएगा। ये किसके पदों में आ गया, विभव और धारा के पदों में, ये विभव और धारा के पदों में किया गया कार्य है। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, ओम के नियम से। तो ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम से हमने क्या पढ़ा है, ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर पढ़े हैं, V बराबर I इंटू आर। तो ये V का मान यहाँ पर रखेंगे तो W बराबर कितना है, वी आई टी है, देखिए वी आई टी, तो V के स्थान पे क्या रखेंगे, I इंटू आर, फिर I है, फिर कितना है, T है। तो I का मल्टीप्लाई I से कर दिए तो कितना हो गया, I स्क्वायर आर टी। तो ये W बराबर आ गया। एक व्यंजक और आ गया, किसके पदों में, धारा, और किसके पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में W किया गया कार्य आ गया। पर अब हम लोग एक और जानते हैं, चूँकि ये चीज़ जानते हैं, चूँकि I बराबर क्या होता है, V बटे R, I बराबर क्या होता है, V बटे R। तो हम I के स्थान पर रख सकते हैं, तो W बराबर क्या आ जाएगा, I के स्थान पर क्या रख देंगे, ध्यान दीजिए, V बटे R, तो V स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, ये इंटू R इंटू कितना हो गया, T। एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बटे एक R बचा इंटू कितना, T। तो विभव और प्रतिरोध के पदों में आ गया किया गया कार्य। तो ये जो किया गया कार्य है, यही सब क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये किसके पदों में आया, विभव और धारा के पदों में कार्य निकाले, ये धारा और प्रतिरोध के पदों में, ये विभव और प्रतिरोध के पदों में आपने कार्य का व्यंजक निकाल लिया। तो ये देखिए सब W को बता रहे हैं, तो क्या हमको, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, W बराबर सबसे पहला व्यंजक क्या निकाले, वी आई टी, फिर दूसरा व्यंजक आपने क्या निकाला, आई स्क्वायर आर टी, फिर तीसरा व्यंजक क्या निकाले, वी स्क्वायर अपान आर इंटू कितना हो जाएगा, टी। जहाँ भी हो ये स्मॉल टी रहेंगे सब, ठीक। इस प्रकार जो किया गया कार्य था वो कार्य आपने क्या कर लिया,
यहाँ निकाल लिए, ठीक भैया ये बात हुई। ये अब जो उष्मा हुई थी आपने पढ़ा था ना कि उष्मा क्या हो, उष्मा आपने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन टकराता है, टकराने के बाद अपनी संपूर्ण ऊर्जा खो देता है, तो जो संपूर्ण ऊर्जा खो देता है वो ऊर्जा उष्मा के रूप में अवशोषित हो जाता, सॉरी उष्मा के रूप में चालक के पृष्ठ पर आ जाती है, तो वो उष्मा निकालते हैं हम लोग। आइए तो वो मान लेते हैं क्यू। तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट लीजिएगा, तो वीडियो पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो गाइज। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। विद्युत शक्ति जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, ELECTRIC POWER, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक भैया विद्युत शक्ति। आप ध्यान दीजिए अब विद्युत शक्ति क्या होती है। सबसे पहले हम शक्ति जानते हैं, शक्ति क्या होती है, किसी की शक्ति क्या होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई मजदूर हो गए भाई, ये कोई मजदूर हो गया अच्छा वाला, ठीक। अब ये मजदूर का नाम ए है, एक मजदूर ये हो गया जिस मजदूर का नाम क्या है भैया, बी है। इस मजदूर का नाम क्या है, बी है, लिख देते हैं बी। अब ए वाला मजदूर किसी दीवार को बनाने में 8 दिन का समय लेता है, कितने दिन का समय लेता है, ये किसी काम को करने में 8 दिन लेता है। मान लीजिए एक दीवार बनाने में ये 8 दिन का समय लेता है और ये मजदूर जो है उसी दीवार को 5 दिन में बना रहा है, तो आप क्या बताओगे किसकी शक्ति ज़्यादा है, इसकी शक्ति ज़्यादा है कि इसकी शक्ति ज़्यादा है। इसकी शक्ति कम है, इसकी शक्ति ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ये कम समय लिया है, उसी कार्य को कम समय में कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जो है जो किया गया कार्य है वो समय से भाग दे दिया जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य को समय से विभाजित कर दें तो वो क्या कहलाता है, शक्ति कहलाती है। जैसे हमने कहा कि अगर हम लोग जो है किसी कार्य को करने में जो समय व्यतीत कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कितना समय ले रहे हैं कार्य करने में वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो भैया हो ध्यान दीजिए, विद्युत शक्ति यहाँ पर क्या आएगी, विद्युत शक्ति होती है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में विद्युत के व्यय होने की दर, विद्युत के खर्चा होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। कि कितनी तेजी से विद्युत उस परिपथ में खर्च हो रहा है वही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो लिखे बात की चर्चा करते हैं, क्या लिखते हैं विद्युत शक्ति की परिभाषा, किसी परिपथ में, क्या किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्या लिखे भैया, किसी परिपथ में, एक मिनट यहाँ ऐसे नहीं लिखते थोड़ा सा, किसी परिपथ में प्रति सेकंड, क्या प्रति सेकंड व्यय होने की दर, या ऐसे लिखते हैं प्रति सेकंड व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा या उष्मा भी आप कह सकते हैं, व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा, इसे आप उष्मा भी कह सकते हैं, ठीक। व्यय होने वाली विद्युत शक्ति कहलाती है। आइए थोड़ा सा मार्कर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ध्यान दीजिए हमने क्या कहा कि किसी भी परिपथ में एक सेकंड में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हो जा रही है, कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो जा रही है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। अर्थात किसी भी परिपथ में विद्युत के व्यय होने की दर, एक सेकंड में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो जाएगी उस क्या कहलाएगी, वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। आइए इसके व्यंजक की चर्चा करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, यदि किसी परिपथ में
यदि किसी परिपथ में 30 सेकेंड में क्या हो, 30 सेकेंड में किया गया कार्य व्यय ऊष्माएँ से मान लेते हैं, 30 सेकेंड में व्यय ऊष्मा W हो, ये इतना ऊर्जा व्यय हो गई, व्यय ऊष्मा क्या हो W हो, तो शक्ति क्या होगी, तो शक्ति P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो शक्ति P इक्वल टू हो जाएगी W अपान T, क्या हो गई W अपान T। एक व्यंजक ये प्राप्त हो गया, पर अभी हमने इससे पिछले वाले हेडिंग में पढ़ा था W बराबर होता है वी आई इंटू टी, हम जानते हैं W बराबर होता है वी आई इंटू टी, ये स्मॉल आई मानो या कैपिटल आई, तो रखो W के स्थान पे गाइस, तो क्या आ जाएगा P बराबर W के स्थान पे रख देंगे वी आई टी अपान कितना हो गया T। ठीक, तो W का मान हमने यहाँ पर रखा, ये T से T क्या हो जाएगा कैंसिल, तो P इक्वल टू क्या आ गया, P इक्वल टू आ गए V इंटू आई। एक शक्ति का फार्मूला आपको यहाँ पर भी मिल गया कि वोल्टेज और धारा का गुणनफल ही शक्ति कहलाती है, यहाँ से भी आप इनको परिभाषित कर सकते हो कि वोल्टेज और धारा का गुणनफल यानी विभव और धारा का गुणनफल शक्ति कहलाती है। ये हो गए, अब हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर I इंटू R होता है, तो वो V का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो P बराबर क्या आ जाएगा, V के स्थान पे I R रखेंगे इंटू I, आई आई का मल्टीप्लाई कर दें तो आई स्क्वायर इंटू कितना आ गया R, ये P का मान आ गया आई स्क्वायर इंटू R। इतनी बातें आपको समझ में आई, ये P का मान आया आई स्क्वायर इंटू R। ठीक, अब हम जानते हैं एक और, I बराबर होता है V बटे R, ये मान यहाँ रखा जाए, तो I के स्थान पे V बटे R रखेंगे, यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू कितना R, ये R एक R से कैंसिल हो गया, तो P बराबर आ गए V स्क्वायर बटे R, ये पावर की फार्मूला आ गई P बराबर V स्क्वायर बटे R। ठीक, इतनी बातें समझ में आई, तो क्या हम लोग लास्ट में ये चीज़ ज़रूर लिख सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि सब पावर को, सभी पावर के फार्मूले हैं, P बराबर क्या आया, P बराबर आया W अपान T, उसके बाद W अपान T को किस में व्यक्त किए वी आई में, फिर वी आई को किस में व्यक्त किया गया आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर आर को किस में चेंज किया गया वी स्क्वायर अपान आर। तो इस प्रकार हम लोग पावर को इस व्यंजक में लिख सकते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो मात्रक होती है इसको हम लोग वाट में मापते हैं, किस में मापते हैं वाट में मापते हैं, ध्यान दीजिएगा हमने क्या कहा, इसको हम लोग क्या मापते हैं वाट में मापते हैं। बड़ी मात्रकों के लिए कभी कभी एक किलो वाट भी उपयोग किया जाता है, एक किलो वाट बराबर होता है 10^3 वाट, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी मेगा वाट का भी उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है मेगा वाट का, तो हमने क्या कहा इसका मात्रक न शक्ति का मात्रक या विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है, क्या होता है वाट होता है। अब अन्य मात्रक क्या, अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक कभी कभी बड़े पैमाने पर एक किलो वाट भी होता है, क्या होता है एक किलो वाट, तो एक किलो वाट बराबर होता है 10^3 वाट, कितना 10^3 वाट, और कभी कभी एक मेगा वाट भी होता है, तो एक मेगा वाट बराबर होता है 10^6 वाट, कितना होता है 10^6 वाट। तो गाइस ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि शक्ति के ये भी मात्रक होते हैं। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले एक बार पुनः जो है हम लोग देख लेते हैं, विद्युत शक्ति क्या होती है, किसी भी परिपथ में हर एक सेकंड में, किसी भी विद्युत परिपथ में हर एक सेकंड में खर्च होने वाली जो ऊष्मा होती है, खर्च होने वाली जो विद्युत ऊर्जा होती है
वो क्या कहलाती, विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे हम लोग पी से व्यक्त करते हैं। हम मानते माना यदि किसी परिपथ में टी सेकंड में इतनी उष्मा व्यय हो गई, कितनी डब्लू उष्मा व्यय हो गई, तो जो शक्ति होगी वो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू अपान टी। और डब्लू बराबर, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा डब्लू जो होता है वी आई टी के बराबर होता है। तो डब्लू का मान हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, पी इक्वल टू वी टू आई आया। यहाँ से भी हम पावर को परिभाषित कर सकते हैं, वोल्टेज और धारा के गुणनफल को पावर कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। पर हमने ओम के नियम में पढ़ा था V इक्वल टू I इंटू आर, तो जहां V था गाइज वहां हम लोगों ने I इंटू आर रखा, तो I इंटू आर रखने पे I I I स्क्वायर इंटू आर आ गए। इसके बाद I को हम लोग बदल के V अपन R किए तो ये मिल गया। शक्ति का मात्रक वाट होता है, अन्य मात्रक किलोवाट और मेगावाट होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू मेरे आर डी स्टूडेंट।